नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूं जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा रखने को लेकर सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ स्थित उनके आवास में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया था, जहां उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया था, लेकिन उसके ऊपर भाजपा का झंडा रखा गया था। टीएमसी तथा कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी सांसद ने पूछा है कि तिरंगे का अपमान करना क्या मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है? तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन वाली तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना क्या मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है? रॉय ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें उत्तर प्रदेश के सीएम के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अंतिम दर्शन करते हुए दिख रहे हैं। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने इस ट्वीट पर टीएमसी के ही एक अन्य नेता रिजू दत्ता ने भी कमेंट करते हुए लिखा है कि लगता है बीजेपी हमारे देश के तिरंगे से बड़ी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने तस्वीर साझा करते हुए पूछा है कि क्या भारत के झंडे से ऊपर किसी पार्टी का झंडा रखना ठीक है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि, लेकिन इस तस्वीर को देखकर एक सवाल है, क्या किसी पार्टी का झंडा तिरंगे से भी ऊपर हो सकता है? राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है? उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर भाजपा के झंडे को रखने की सियासत पर यह थी हमारी खास पेशकश। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें जन संदेश टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।